वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आज पूरा दिन भर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई हुई। लगातार 3 दिनों से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। 10 जनवरी को बीएड का पक्ष सुना गया था सुप्रीम कोर्ट में, 11 को बीटीसी का पक्ष सुना गया। कपिल सिब्बल ने कल बीटीसी के छात्रों का पक्ष रखा और आज पहले बीटीसी की वकील जो थी अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा जी, उन्होंने बीटीसी का पक्ष रखा। उसके बाद फिर पीएस पटौलिया जी ने बीएड का पक्ष रखा। जो भी सवाल थे उनका जवाब उन्होंने दिया, चाहे वो कपिल सिब्बल के तरफ से उठाए गए थे या मीनाक्षी अरोड़ा मैम की तरफ से उठाए गए थे। तो फाइनली जो बहस था वो पूरा हो गया है और फाइनल सबमिशन के लिए कह दिया गया है। नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक फाइनल सबमिशन कर देना है और उसके बाद फिर इसका ऑर्डर सुनाया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की कि सभी वकीलों को सुन लिया गया है। यदि कुछ इसमें रह जाता है तो उसको भी जल्दी सुन लिया जाएगा और नेक्स्ट वीक में सबमिशन सबका हो जाएगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इस संबंध में दे देगी। तो जो एक लंबा इंतजार था, एक लंबा तारीख पे तारीख की कहानी चल रही थी बीएड वर्सेस बीटीसी की, वो अब समाप्त होने जा रही है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड एलिजिबल है या नहीं है इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। जो भी फैसला होगा पूरे देश में मान्य होगा। यहाँ पर कभी ये लग रहा है कि बीएड मजबूत है, कभी बीटीसी मजबूत है। बहस के दौरान जज साहब ने कई आर्गूमेंट किए, कई टेक्निकल पॉइंट्स पर बहस की गई और अब फाइनली ये बहस पूरी होती हुई दिख रही है। मेन यहां पर मुद्दा यह है कि एनसीटीई योग्यता डिसाइड कर सकता है या नहीं, यहीं पर पेच फंसा हुआ है। यदि एनसीटीई बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल कर सकता है, यदि उनके पास पावर है तो फिर बीएड को कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि एनसीटीई ने ही बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया था। और यदि उनके पास पावर नहीं है तो फिर इसमें कहानी पलट सकती है। इसी के साथ साथ जो डीएलएड के वकील थे या कहें बीएससीसी के वकील थे, उन्होंने भी कहा कि बीएड को प्राइमरी में इस कंडीशन में रखा जा सकता है कि आपके पास डीएलएड यानी डिप्लोमा के छात्र ना हो, और ऐसे में यदि रखा भी जाता है तो 5 साल के लिए रखा जा सकता है और जैसे ही डीएलएड के पर्याप्त छात्र हो जाते हैं फिर उन्हें हटा दिया जाए और डिप्लोमा ही प्राइमरी के लिए एलिजिबल होता है। तो इस पर जो बीएड के वकील, उन्होंने कहा कि बीएड एक हायर एजुकेशन है, ये ज़्यादा उच्च योग्यताधारी हैं, इनको भी प्राइमरी में रखना जाना चाहिए और बहुत सारे राज्यों में ये प्राइमरी में नियुक्त भी हुए हैं, आज वो नौकरी कर रहे हैं। तो सब कुछ सुना गया है, सबके पक्ष को सुनने के बाद जो बहस रह गई है उसका सबमिशन ले लिया जाएगा और उसके बाद ही किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा। तो अभी कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। सबके बातों को सुनने के बाद अभी भी मामला 50-50% पर ही मैं समझ रहा हूँ कि जजेस अपना इसमें अंतिम निर्णय देंगे। छात्रों को इस बात की खुशी है कि चलिए ये मामला क्लियर तो हो रहा है। सरकार अब ये बहानेबाजी नहीं कर सकी क्योंकि मामला कोर्ट में है, हम टेट नहीं करा सकते, शिक्षक भर्ती नहीं निकाल सकते, तो ये सब बहानेबाजियाँ समाप्त होंगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज के सुनवाई का ऑर्डर वेबसाइट पर जैसे ही आएगा तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।